नमस्कार, स्वागत है आपका R9 टीवी में और मैं ऋतुपेश। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज देश मुहर्रम मना रहा है और इस मुहर्रम के पीछे ही साजिश यहां पर छिपी हुई है। दरअसल कश्मीर में आतंकी जो है हमला कर सकते हैं और इसी को लेकर कश्मीर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो बता दें कि जुलूस और ताजिया निकालने की इजाजत जो है फिलहाल जम्मू कश्मीर में नहीं दी गई है और एहतियातन इमामबाड़ा में ताजिया निकालने को कहा गया है। तो मुहर्रम पर कश्मीर में हिंसा की फिराक में है आतंकी और इस आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए घाटी में सुरक्षा को बढ़ाया गया है, चौकसी यहां पर लगातार जारी की गई है। वहीं अलर्ट के बाद कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो घाटी में इंटेलिजेंस को हाई अलर्ट पर भी रखा गया है। आपको बता दें कि धारा 370 के बाद कश्मीर घाटी में 37 दिन बीत गए हैं और अब तक घाटी में सन्नाटा पसरा हुआ है। मुहर्रम के मौके पर भी कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम जो है किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सुरक्षा को देखते हुए घाटी में कुछ इलाकों में प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। तो सुरक्षा बलों को अतिरिक्त तैनाती के आदेश जारी किए गए और साथ ही जिस तरह से आपको हमने बताया कि ताजिया के जो जुलूस हैं उसके दौरान आतंकी हमला कर सकते हैं, इसलिए ताजिया और जुलूस निकालने की इजाजत यहां पर नहीं दी गई है। निकालने की इजाजत इमामबाड़ा में दी गई है। इसके साथ ही तमाम सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया है ताकि कोई आतंकी हमला न कर सके। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए R9 TV के साथ।